हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टोरल प्रोग्राम से रिलेटेड और जानेंगे कि अगर इसके जो डिटेल है वो क्या क्या है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी CSI, DBT, ICMR, गेट, कोई भी अगर आपके पास जो फेलोशिप नहीं है या आपके पास कोई भी लाइक CSI JRF, UGC JRF या DBT JRF या ICMR JRF आपके पास नहीं है, तब भी अगर आप यहाँ पे इनरोल होते हैं तो आपको यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी इक्वलेंट टू CSIR UGC JRF के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट आया है ये NCF की तरफ से आया है। तो यहाँ पर देखिए, एडमिशन टू NCF डॉक्टोरल प्रोग्राम 2021। तो ये जो है आपका मोस्टली, आपने अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप PhD के लिए जो है वो इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपको होम प्रोग्राम्स, आपको यहाँ पे न्यू लैब्स देखने को मिलेंगी, साथ में पब्लिकेशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिकेशंस हैं वो कैसे आते हैं, मतलब कि जो इम्पैक्ट फैक्टर्स है जनरल्स का वो कितना हाई, लाइक 4, 5, 6 है, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लाइक डिटेल, लाइक आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में दे रखा है ऑप्शन, और साथ ही अबाउट में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम देख लेते हैं, तो ये NCF है क्या? ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू साइंस ड्राइवन एंड सोशली रेस्पॉन्सिबल अप्रोचेस टू कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो NCF है ये मोस्टली प्रमोट करता है वो इकोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी में जो भी आपकी अप्रोच है उसके लिए। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है NCF इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू इट डॉक्टोरल प्रोग्राम इज कंजर्वेशन साइंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे आपको जो भी एरिया मिलेगा वो आपका कंजर्वेशन साइंस एंड प्रैक्टिस के बेस पे मिलेगा। तो यहाँ पे अपना आपका PhD जो है इन पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, जो NCF है ये फॉर्मली एफिलिएटेड है मणिपाल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन फॉर दिस प्रोग्राम। तो आई थिंक यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता तो आपको मणिपाल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन में एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे आपको जो है PhD जो है अपनी कंप्लीट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेब पेज ऑफ द फॉलोइंग फैकल्टी। देखिए यहाँ पे कुछ नेम दे रखे हैं फैकल्टीज के, तो आप जो इन फैकल्टी आप जो है इस पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे क्लिक करें अपराजिता दत्ता पे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इनका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है किस लाइक इनका एरिया, रिसर्च एरिया क्या है। ठीक है, तो वो सब देख सकते हैं। तो आप इसके अलावा यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे जो उनके पब्लिकेशन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इनका जो पब्लिकेशन है वो कितने इम्पैक्ट में पेपर में है, कितने इम्पैक्ट जर्नल में है, और इनका जो मोस्टली वर्क है वो किस पे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी दे रखी है, तो ये सब जो है फैकल्टी इनमें आप इनका जो रिसर्च एरिया देखने के बाद आप अगर आपको इंटरेस्ट आता है उनके रिसर्च पे तो आप जो उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, या उन्हें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना पोटेंशियल सुपरवाइजर जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 11 डिसिप्लिन में, इंक्लूडिंग मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट में। अगर आपके पास कोई प्रीवियस रिसर्च है या फील्ड एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे जो है लाइक आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NCF जो है NCF डॉक्टर फेलोशिप, तो यहाँ पे अगर आपके पास CSI JRF, ICMR JRF, DBT JRF अगर आपके पास है नहीं है तब भी आप जो है यहाँ पे आपको जो फेलोशिप है वो इक्विवेलेंट दी जाएगी CSI JRF, ICMR JRF या DBT JRF के इक्विवेलेंट जो है आपको फेलोशिप दी जाएगी। यानी कि आपको JRF जो दिया जाएगा वो 31,000 प्लस HRA, और आपका जो SRF का अमाउंट रहेगा वो 35,000 प्लस HRA। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। और देखिए यहाँ पे सेम ड्यूरेशन भी 5 ईयर्स तक आपको मिलेगा, लेकिन आपका हर ईयर जो है आपका एनुअल रिव्यू होगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो NCF देगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर बात करें प्रोसीजर की, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है उसको रिव्यू किया जाएगा। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे। ठीक है, तो 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू में के होने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अगर आपके पास जो CSI JRF, UGC JRF, इंस्पायर फेलोशिप अगर आपके पास है तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी JRF है तब आपको यहाँ पे NCF डॉक्टर फेलोशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस की बात है आपके पास खुद का JRF है तो आप क्यों NCF डॉक्टर फेलोशिप आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके पास CSI JRF, UGC JRF, DBT JRF या ICMR JRF या इंस्पायर फेलोशिप नहीं है, उन्हें जो है NCF जो है वो NCF डॉक्टर फेलोशिप देगा।
तो अगर बात की हाउ टू अप्लाई की, तो यहाँ पे आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो उसे आपको फिलअप करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, तो ऐसे इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास डिजिटल कॉपी होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका कंप्लीट पर्सनल एकेडमी डिटेल्स यानी कि आपका यहाँ पे जो CV होना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म को आपको जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, तो इस टाइप में आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डाउनलोड हो रहा है, तो ये आप जो है देख सकते हैं, ये NCF का जो PhD एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, तो इस टाइप का फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जो है अपना पूरा पर्सनल डिटेल्स, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है, इसके अलावा आपने के अंदर इंडिपेंडेंट रिसर्च एबिलिटी है, या आपने पब्लिकेशन ऑलरेडी जो है वो आप पब्लिश कर चुके हैं, या आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं, या रिव्यू आर्टिकल्स हैं, या बुक चैप्टर्स, यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है डिजर्टेशन, बुक चैप्टर, पॉपुलर आर्टिकल्स या ब्लॉग्स, कंट्रीब्यूशन, टाटा रिपोजिटरी, विकीपीडिया, कुछ भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन अगर आपने टॉक या ओरल या पोस्टर प्रेजेंटेशन दिया वो भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो दे रखी हैं, ठीक है, तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं तो आप वो सब जरूर अटैच करें। इसके अलावा आपको दो रेफरेंस भी यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का था, तो ये आपको जो है फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे अपडेटेड CV आपका होना चाहिए। तो अगर आपका फेलोशिप कोई है, चाहे वो CSIR हो, चाहे CMR हो, चाहे DBT हो, तो आपको यहाँ पे फेलोशिप सपोर्ट लेटर आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे phd@ncf-india.org पे जो है आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो हम बात करें, लास्ट डेट सबमिट करने की वो 26 अगस्त 2021 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करने पे आपको नेम, ईमेल एड्रेस डालना, उसके बाद नेक्स्ट करना, इसके बाद जो है आप अपना जो गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसे ही आप जो है अपना पर्सनल और एजुकेशन डिटेल फॉर्म भी आप जो है वो देख सकते हैं, तो वो भी इसी टाइप में ही आपका ओपन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये ओपन हुआ है, इसमें भी सेम ही आई थिंक। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। क्लियर, तो दोनों चीज़ें सेम ही है। ठीक है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये सब फिलअप करने के बाद डिजिटल कॉपी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, अपडेटेड CV और पब्लिकेशन कॉपी जो फेलोशिप अवार्ड लेटर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, और आपके जितने भी पर्सनल एजुकेशन जो डिटेल्स है वो सब भी आपको यहाँ पे एज अ लाइक PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें डेडलाइन की, तो डेडलाइन जो है वो आपका है 26 अगस्त 2021। तो आपको 26 अगस्त 2021 से पहले जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप phd@ncf-india.org पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं, पर सेंड कर सकते हैं, तो आपके यहाँ पे क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।